अस्सलाम वालेकुम। हाय दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है खैर से होंगे। आज मैं आपको हमारे कबूतर का बच्चा दिखाता हूँ जो उसने कल परसों निकाला है। तो गाइस, अभी मैं केज में आया था तो मैंने देखा कि ये काली मादी ने एक अंडा उतारा हुआ है। तो चलो इसकी भी सेटिंग करते हैं हम। इसके दो अंडे थे, एक अंडा हमने इस कबूतर के नीचे रख दिया था क्योंकि हमें पता नहीं था कि ये किसका अंडा है। और ये वो इस जोड़े ने एक बच्चा निकाला है और एक अंडे से बेटा। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये बच्चा चेक करें। ये देखें, माशाल्लाह से ये बहुत जल्दी बड़ा हो रहा है। ये इन दोनों ये जोड़े ने ये बच्चा निकाला है। और अभी ये कि ये सुराजी और ये कि ये काली मादी अपने अंडों पे बैठी हुई हैं, जिसमें से अभी इस काली मादी ने एक अंडा दिया है। अभी मैं इधर एक छोटा सा ऐसा ईटोआ बना के उसके अंदर एक अंडा रख देता हूँ और फिर एक मादी को इसके अंदर छोड़ता हूँ जिससे कि अंडे के ऊपर बैठे। चले, अभी आपको दूसरे केज का नज़ारा कराते हैं। अभी हम इस केज के अंदर जा रहे हैं। ये केज वैसे फैंसी मुर्गियों का है और मुर्गों का है, इसमें यही रहते हैं। और ये जो दो सामने सिंधी मुर्गी हैं ये दो आ जाती हैं। बता कौन यार, पानी का देखें बुरा हाल करा हुआ है। देखें पानी इनको रोज़ भर के जाते हैं लेकिन बतख देखे क्या हाल कर देती है। बाजरा पूरा खाया हुआ है। और आप ये चेक करें, ये हमारे फैंसी मुर्गी के बच्चे हैं, लाइन से बैठे हुए हैं। ये इनों का केज है, इनों के साथ एक दूसरी मुर्गी है। ये जो सामने आपको ब्लैक वाली दिख देख रहे हैं, ये बंद होती हैं। और जिसमें से ये तीनों सिंधी बच्चे हैं और ये और इस मुर्गी ने आठ अंडों में से ये एक बच्चा निकाला था। ये पहले इसके एक वीडियो छोड़ी हुई है। एक बच्चा देखे माशाल्लाह से तैयार लगा पड़ा है। और ये देखें, ये हमने दो मुर्गियाँ बिठा रखी हैं अभी अंडों पे। अब ये रमज़ानों में फोड़ देंगे अंडे। ये दो हमने बिठा रखी हैं। और हमारी ये बतखें, ये हमारी बतख हैं। और ये मुर्गी हैं एक हमारी। अभी मैं इनको दाना डालने आया था तो देखा कि पानी सारा गंदा हुआ पड़ा। अभी मैं इसको दिल्ले से इनको पानी भरता हूँ। अब जैसा कि देख सकते हैं, मैंने ये धो के भर दिया है जिससे मुर्गी वगैरह ये चीज़ वगैरह पानी पी लेंगे। और अभी मैं इनों के भी कुंडे धो देता हूँ, फिर धो के पानी भर के फिर इनों को बाजार डाल के डालते हैं। ये रोटियाँ मैं कबूतर के लिए लाया था लेकिन ये छोड़ ही नहीं है इनों को। एक लाल मादी बाहर आ गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने ये रोटी डाल दी है। अब ये खा रहे हैं, ये खाते रहेंगे। और थोड़ी बहुत रोटी मैं बच्चों को भी डाल देता हूँ। तो अभी मैंने रोटी डाल दी है, अब ये खाते रहेंगे। तो फैंसी भी हमारे आ गए। हमने उसके लिए उस काली कबूतरी के लिए मैं कोई वो बनाना है जिससे ये अंडे दे सके, इसलिए मैंने एक ईट उठा लिए। अब इस ईट को मैं लगाऊंगा इधर।
कीट लग गई इधर। ये अंडा उठाया, इधर रखा, ये कबूतरी पकड़ी और ये इसके अंदर छोड़ दिए हमने। अब ये खुद ही अंडे को सिका दे देगी। ये हमारी बतख है, ये हमारी बतख है और ये हमारी मुर्गियाँ जो कि अभी अंडों पे बैठी नहीं, खड़ी हुई है। तो ये हमारे कबूतर भी उड़ गए हैं दाना खाने के लिए। अभी मैं इनको थोड़ा दाना डाल देता हूँ। तो अभी इनको दाना डाल देते हैं। ये दाना डाल दिया है जो कि ये खा रहे हैं। इस मुर्गी को पता नहीं क्या हुआ है, सुस्त सी रहती है, इधर ही खड़ी हो जाती है। तो ये था हमारा छोटा सा शौक। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब, कमेंट करें और जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। ओके।